नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सब दोस्तों को टेक्निकल सार्जिकल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले रियल क्रिकेट 22 गेम की न्यू अपडेट के बारे में। इस गेम के अंदर हम इंडिया टीम की जो न्यू जर्सी आई है वो हमें कब तक देखने मिलने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, इंडिया की तीनों फॉर्मेट की न्यू जर्सी आ चुकी है, यानी कि इंडिया टीम को न्यू स्पॉन्सर मिल चुका है एडिडास का। तो एडिडास ने जो है इंडिया टीम की न्यू जर्सी तीनों फॉर्मेट की लॉन्च कर दी है। तो भाई मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था, बट जो उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे क्या भाई नेक्स्ट अपडेट के अंदर रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर इंडिया की ये तीनों जर्सी ऐड होने वाली है या फिर नहीं। तो दोस्तों यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि भाई ये जो इंडिया टीम की जर्सी न्यू अपडेट के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे सिंपल सा ही कहना है कि न्यू अपडेट के अंदर शायद ही दोस्तों ये न्यू जर्सी हम लोगों को देखने मिले, क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न ये है कि भाई अभी जो है कंपनी जो है इंडिया की अकेले की तो न्यू जर्सी ऐड करेगी नहीं। हालांकि दोस्तों इंडिया की न्यू जर्सी आ चुकी है और अफगानिस्तान की भी आ चुकी है और शायद से न्यूजीलैंड की भी कुछ चेंजेस वगैरह हो चुके हैं और यहाँ पर जो इंग्लैंड की भी आ चुकी है। तो अभी चार टीम्स की जर्सी आ चुकी है, तो कंपनी जो है आपको पता है सारी टीम्स की जर्सी एक साथ ऐड कर दी है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी शायद ही आपको इंडिया की न्यू जर्सी मिले, क्योंकि कंपनी जो है एक साथ सारी टीम्स की जर्सी ऐड करती है और अभी जो फिलहाल में बहुत कम टीमों की न्यू जर्सी है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि न्यू अपडेट के अंदर आपको शायद ही जो है इंडिया टीम की न्यू जर्सी देखने मिले। अब दोस्तों बात आती आखिरकार आप लोग जो इंडिया टीम की न्यू जर्सी कब तक देखने मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता है जैसा ही कोई टूर्नामेंट वगैरह यानी कि ICC इवेंट वगैरह आता है तो वहाँ पर जो सारी टीम्स की लगभग न्यू जर्सी ऐड होती है, यानी कि पैटर्न वगैरह चेंज होते हैं, कुछ जर्सी में छोटे मोटे चेंजेस डेफिनेटली से होते हैं। तो यहाँ पर सारी टीम्स की जर्सी यहाँ पर जरूर से चेंज होती हैं जब भी कोई ICC टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप वगैरह होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जो है कंपनी को जो है सारी टीम्स की न्यू जर्सी मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है अपने गेम के अंदर भी सारी टीम्स की जर्सी एक साथ ऐड कर देगी। अगर दोस्तों कंपनी अभी जो है इंडिया टीम की जर्सी और इंग्लैंड की और अफगानिस्तान की जर्सी ऐड करेगी तो कंपनी को बाद में फिर से जो अपडेट वगैरह दे के यहाँ पर जो है सारी टीम्स की जर्सी ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोग कंपनी को भी जानते हो, कंपनी कोई भी अपडेट देती है तो उसके अंदर एक टीम या दो टीम की जर्सी नहीं देती है, डायरेक्ट हम लोग को सारी टीम की जर्सी लगभग देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ल्ड कप आने वाला है वहाँ पर जो है सारी टीम्स की जर्सी चेंज होंगी, तो उसी एक साथ हम लोग जो है इंडिया की भी जर्सी मिल जाएगी और साथ में जो अदर्स इंटरनेशनल टीम्स हैं उनकी भी एक ही साथ में हमें जर्सी मिल जाएगी। यहाँ पर वर्ल्ड कप तक काफ़ी हाई चांस है, पर दोस्तों उससे पहले जो एशिया कप भी होने वाला है तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एशिया कप के टाइम पर ही हम लोग जो है सारी इंटरनेशनल टीम्स की जर्सी वगैरह चेंज होंगी, डेफिनेट से दोस्तों मुझे लग रहा है। तो वहाँ पर दोस्तों एशिया कप स्पेशल अपडेट के अंदर हमें जो इंडिया टीम की जो तीनों फॉर्मेट की जर्सी है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो कुछ भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया हूँ। अभी शायद ही आपको जो न्यू अपडेट के अंदर इंडिया की न्यू जर्सी आए, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं तभी जो है सारी टीम की जर्सी एक साथ ऐड करती है, ना कि एक दो टीम की ऐड करती है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आज का बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाबा गुरु बाद वंदे मातरम।